अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार में जन्मे केजरीवाल ने बेहद ही कम समय में भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने सियासत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चलिए एक नजर डालते हैं अरविंद केजरीवाल के अब तक के सफर पर। अरविंद केजरीवाल के पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। एक साधारण परिवार के मुखिया गोविंद राम के 3 बेटे और बेटियां हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि केजरीवाल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मिशनरी स्कूल से पूरी की है। मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की वजह से बचपन से ही उनका चर्च में प्रार्थना करने के प्रति काफी लगाव रहा है। चर्च के अलावा घर में हिंदू रीति रिवाज से पूजा देखने की वजह से उनका धार्मिक लगाव काफी ज्यादा है। केजरीवाल ने साल 1985 में IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई पूरी की और जैसा कि एक मिडिल क्लास परिवार का शख्स करता है, कोर्स खत्म होने के बाद उन्होंने 1989 में टाटा स्टील जमशेदपुर में नौकरी की। हालांकि नौकरी में ज्यादा मन न लगने के चलते उन्होंने जल्द ही उसे छोड़ दिया और कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रुख किया। इसके बाद केजरीवाल ने दोबारा से पढ़ाई शुरू की और IRS का एग्जाम दिया। अब इसे उनकी मेहनत कह लीजिए या फिर किस्मत का खेल, केजरीवाल ने महज एक कोशिश में ही एग्जाम क्लियर किया और IRS अधिकारी बने। भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी बनने के बाद उन्होंने IAS बनने के लिए एग्जाम दिया। 1993 में मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उनकी मुलाकात अपनी साथी IRS अधिकारी सुनीता से हुई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पोस्टिंग दिल्ली में हुई और उन्होंने इसी दौरान सुनीता से शादी कर ली। अरविंद केजरीवाल ने जहां जहां कदम रखा उन्हें कामयाबी मिलती रही। साल 2006 में अरविंद केजरीवाल को RTI एक्ट के लिए मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और समाज सेवी अन्ना हजारे के संपर्क में आए। फिर उन्होंने लोकपाल बिल के लिए जंग शुरू की। उनका नाम आमतौर पर तब उभर कर सामने आया जब दिल्ली में वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे। तब उन्होंने जोर शोर से इन खेलों के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। इसके बाद उन्होंने 2012 में अपना राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी के नाम से बनाया। जिस तेजी के साथ उनकी पार्टी उभरी और वो दिल्ली की सत्ता में आए, वैसा आमतौर पर बहुत कम होता है। उन्होंने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली ही बार में सत्तासीन हुए। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। इसके बाद उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा और 2014 में 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की और फिर सत्ता में आए। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने राजधानी में बहुमत हासिल कर खुद को फिर एक बार साबित कर दिखाया। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब में भी सत्ता में है। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।